दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ MIUI 14 में आप कैसे किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। अगर आपको हाइड करना नहीं आता है तो इस वीडियो को देखिए, मैं बहुत ही ईजी तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो और जो भी आपका उस एप्लीकेशन में डाटा होगा वो सब कुछ वहाँ पर सुरक्षित रहेगा। और आपने फ़ोन किसी को दे भी देते हो तो उसमें भी किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होने वाला है, वो एप्लीकेशन को वो आदमी ओपन नहीं कर पाएगा, यूज़ नहीं कर पाएगा, उसमें पासवर्ड लगा रहेगा और ऐसे ये हाइड रहेगा तो पता भी नहीं चलने वाला है कि आपके फ़ोन में कितने एप्लीकेशन हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी हाइड कर सकते हो एप्लीकेशन को, चाहे आपके पास पोको का फ़ोन हो या फिर रेडमी का फ़ोन हो, शाओमी का फ़ोन हो, कोई से भी फ़ोन हो, तो उसमें आसानी से अगर आपके फ़ोन में MIUI 14 है तो इस तरीके से आप आसानी से हाइड कर सकते हो। चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको कुछ इसी तरीके का वीडियो देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, होम स्क्रीन पर कहीं पर भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर होम स्क्रीन पर तो कहीं पर भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। चाहे आप एप्लीकेशन के ऊपर प्रेस एंड होल्ड करके रखो या फिर स्क्रीन के ऊपर में, आपको जाना होगा सेटिंग में और सेटिंग में यह ऑप्शन आपको आसानी से मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं जाता हूँ सेटिंग में और देख सकते हो ये रहा सेटिंग, और सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है हाइड। तो यहाँ पर टाइप करोगे जितने भी हाइड से यहाँ पर सेटिंग होगा वो सब कुछ सेटिंग आपके सामने आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर हाइड एन ऐप आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ से भी आप कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं करना है आपको तो आपको जाना है सिक्योरिटी एप्लीकेशन में, जो कि एकदम लेटेस्ट यहाँ पर अपडेट पर होना चाहिए आपका सिक्योरिटी एप्लीकेशन। वहाँ पर अगर आपको ओपन करना है सिक्योरिटी एप्लीकेशन को और यहाँ पर नीचे देख सकते हो हाइड ऐप का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है और यहाँ से भी जाके आप हाइड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेटिंग में और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ से आप हाइड करोगे। तो यहाँ पर जाना है हाइड के ऊपर में क्लिक कर देना है, यहाँ पर हाइड एन ऐप आता है इसके ऊपर में क्लिक करना है और जो भी एप्लीकेशन को आपको हाइड करना है बस यहाँ से टिक कर देना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर हाइड करना है, यहाँ पर मैं आपको क्या हाइड करके दिखाऊँ, यहाँ पर चलिए व्हाट्सएप को मैं हाइड कर देता हूँ, यहाँ से व्हाट्सएप हाइड हो गया। और उसी तरीके से यहाँ से मैं इंस्टाग्राम को हाइड कर देता हूँ। इंस्टाग्राम से याद आया कि अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप जाके वहाँ से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से मैं दो एप्लीकेशन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ और ये दो एप्लीकेशन यहाँ से अब ये हाइड हो जाएगा। तो देख सकते हो कि मैं जैसे ही यहाँ पर बैक जाऊँगा तो ये एप्लीकेशन यहाँ पर सेटिंग हो गया है और यहाँ से वो दो एप्लीकेशन गायब हो गया। देख सकते हो किसी भी तरीके के यहाँ पर व्हाट्सएप नहीं है और इंस्टाग्राम नहीं है। तो देखिए, दो एप्लीकेशन तो हमारा हाइड हो गया है। अब इन हाइड एप्लीकेशन को हमें यूज़ कैसे करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं पर भी आपको शो नहीं कर रहा होगा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, जो कि दो एप्लीकेशन को अभी हमने हाइड किया है। इनको यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ करने का बहुत ही आसान तरीका है, बस अपने दो फिंगर को स्क्रीन पर में ऐसे रखना है और इसको जूम करना है। जैसे ही जूम करोगे तो ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा और यहाँ से क्लिक करके आप यूज़ कर सकते हो इसको बहुत ही आसानी से और ये ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन। उसी तरीके से और एप्लीकेशन को आपको हाइड करना है तो बस अपने सिक्योरिटी एप्लीकेशन में जाइए, सेटिंग में जाइए, वहां पर टाइप कीजिए हाइड और ये आ जाएगा। यहां पर देख सकते हो ऐड भर के आ रहा है, मतलब सिक्योरिटी एप्लीकेशन में देख सकते हो नीचे के साइड में आपको हाइड मिल जाएगा। इस हाइड वाले ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करना है और यहां पर आप देख सकते हो जो भी एप्लीकेशन को अगर आपको हाइड करना है बस उस पर यहां से प्लस कर देना है, यानी कि इसको ब्लू टिक कर देना है, तो ये एप्लीकेशन आपका हाइड हो जाएगा और उसी तरीके से वापस आएगा अगर आपको यूज़ करना है तो, और अनहाइड करना है तो बस इस तरीके से आप अनहाइड कर सकते हो। तो अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर हाइड करने का, तो ये ऐसा ही रहेगा। तो आपको ये समझ में आ गया, अगर आपके पास पोको का फ़ोन है तो ये तरीका उसमें काम नहीं करेगा। जैसे कि मेरे पास पोको का फ़ोन है तो इसमें एप्लीकेशन को हाइड करने का एक दूसरा तरीका है जो कि मैं आप बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पर सिंपली चल जाना है, पोको का लॉन्चर आता है और उसमें ऐप ड्रॉअर आता है, जैसे कि आप देख सकते हो नीचे से यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसमें ऐप ड्रॉअर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दो बार ऐसे ऐसे क्लिक करना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद एक दो इस तरीके से करना है, स्वाइप करना है कुछ इस तरीके से यहाँ पर लेफ्ट से राइट के साइड में, और यहाँ पर देख सकते हो कि हाइड ऐप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे सेट पासवर्ड इसके ऊपर में क्लिक करना है और जो भी आपका फिंगरप्रिंट है उसको यहाँ से टच करना है। फिंगरप्रिंट टच करने के बाद आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का एक पैटर्न सेट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरीके का एक सिंपल पैटर्न यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। और ये पैटर्न आपको याद रखना होगा क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन को हाइड या अनहाइड करोगे तो ये पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंप्लीट हो गया है और यहाँ से आप ऐड ऐप के
के ऊपर में क्लिक करोगे और यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को आप यहाँ से हाइड कर सकते हो, जैसे गैलरी हो गया, यहाँ पर कॉन्टेक्ट हो गया, तो ये एप्लीकेशन को मैं हाइड करना चाहता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ से देख सेलेक्ट कर लेना है आपको। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर के साइड में यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं ये एप्लीकेशन यहाँ से हाइड हो गया है और ये हाइड एप्लीकेशन में चला गया है। यहाँ पर बैक जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पर गैलरी था ये चला गया है हाइड में, और उसी तरीके से यहाँ से एक और एप्लीकेशन क्या हाइड किया था वो भी चला गया है। इसको सिंपली यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर दो बार स्वाइप करना होगा और उसके बाद अपना जो भी यहाँ पर पासवर्ड आपने सेट किया है उसको डालने के बाद ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हो। होगा तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको फ़ायदा हुई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।